बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थमना। दूसरा सेमीफाइनल आ गया भाई बैतबाजी का, ये पता है आपको? क्या बात है भाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, दूसरा सेमीफाइनल की बात है। दो टीमें हैं जी, टीम ए में है अहमद तलाल साहब और मुश्ताक अहमद साहब, ताल्लुक है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी और के ई एम यू लाहौर से, और टीम बी में हमारे साथ हैं आसिफ साहब और अनीकुर रहमान साहब, जिनका ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, आसिफ और अनीकुर रहमान साहब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, यह है हमारी टीम बी। दोनों जाहिर है अपने अपने मुकाबले के फाते हैं, आज इनमें से कोई एक फाते होगा, एक वापस जाएगा, जो फाते होगा वो क्वालिफाई करेगा हबीब ऑयल की कार के लिए, फाइनल में चला जाएगा। तालियां, स्टॉपवॉच है भाई, अगर है तो भिजवा देना। 12 मिनट होंगे और आखिरी 3 मिनट में काउंटर चलना शुरू हो जाएगा। बाकी आप लोगों को मालूम है कि मयार का भी ख्याल रखना है, चूंकि वरना फिर मयार पर ही आखिर में नंबर्स होंगे। अगर ये वजाहत के हल्की सी भी भूल चूक एक लफ्ज की, क्योंकि बहुत अब जाहिर माशाल्लाह सब टीमें ऐसी हैं जो बहुत उम्दा अशार पढ़ने वाली, तो बस ये है कि हल्का सा भी कोई तवक्कुफ, कोई एक लफ्ज वजन का थोड़ा बहुत, तो अब ये आपको पहले बता दें कि अगर हुआ तो क्या होगा, तो जाहिर फिर आपकी मार्किंग। अच्छा ये है ना, तो आपने ऐसे कहा निकाल देंगे, आप बाहर निकाल देंगे क्या? ठीक है, ऐसे करें आज आप शेर सुना। अच्छा जी, बस एक ही शेर आज के उस रोजाना ही सुना रहे हैं आज भी। उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। अजीब 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 अजीब, बहुत अच्छे। अलिफ, ऐ शख्स सब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई, ये असर भी इश्क अहमद से जबा में आ गया, तीर को आवाज दी वापस कमा में आ गया। अलिफ, इतनी काविश भी न कर मेरी असीरी के लिए, तू कहीं मेरा गिरफ्तार ना समझा जाए, ये अजीब, अजीब। यहीं पे लोग शराबों से भी नहा रहे हैं, बदन को बेच के रोटी भी खाई जा रही है, ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर उस बेवफा को एक नजर देखना भी है। हाँ ये ठीक है, ये जरूरी है। हाँ ये याद के साहिल पे गम की सीपियां चुनते रहे, वो गई तो उसकी टूटी चूड़ियां चुनते रहे। यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, खुश फहमियाँ ये थीं के खरीदार आ गए, आवाज दे के जिंदगी हर बार छुप गई, हम ऐसे सादा दिल थे के हर बार आ गए। क्या बात, जी वाह, ये एक निवाला जो मेरी थाली में गिर गया है, किसी के हाथों से बेख्याली में गिर गया है, ये इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी। अच्छा ये जो चेहरे हैं यहाँ चांद से चेहरे ताबिश, ये मेरा इश्क मुकम्मल नहीं होने देंगे, ये जुल्म मेरे चाहने वाले नहीं करना, देखो मुझे दुनिया के हवाले नहीं करना। अलिफ, अगर चाहूं तो खुद को बादशाह वक्त कह दूं, मुझे इस शहर में एक शख्स ऐसा चाहता है, ये कहानी नहीं बच्चों को सुनाने वाली, अच्छा जहन कच्चा है कहानी में उतर सकता है। ये भाभी से, ये यूं तो नहीं के पहले सहारे बनाए थे, हाँ दरिया बना के उसने किनारे बनाए थे, वाह ये जंग किसकी है ये तो खबर नहीं, लेकिन अच्छा जो लड़ रहे हैं वो सारे हमारे अपने हैं। अच्छा नून, नस्ल दर नस्ल तेरी जात के मकरूज हैं हम, हाँ।
تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی واہ یہ مکی مدنی یہ تو رستے مجھے لے آئے ہیں تیری جانب اچھا یہ ملاقات ملاقات نہ سمجھی جائے اچھا بعض اوقات میں نشے میں نہیں بھی ہوتا میری ہر بات میری بات نہ سمجھی جائے ہوش آیا تو بہت پیار بھی خود پر آیا ایسے کچھ کام بھی ہم نے کیے نادانی میں جائے یہ یاد کر لیتے ہیں ہر روز تیرے ملنے کو دوسرے شہر سے آیا تو نہیں جا سکتا کاؤنٹر چار منٹ بعد جی آرزو ترک نہ کرتا تو یہ گھر کٹ جاتا اچھا میں اگر شاخ بچاتا تو شجر کٹ جاتا الف اتنا پیارا ہے وہ چہرہ کہ نظر پڑتے ہی لوگ ہاتھوں کی لکیروں کی طرف دیکھتے ہیں نون نہ عشق ٹھیک سے ہوتا ہے اور نہ کارے جہاں اچھا جو تم کہو تو کوئی ایک کام چھوڑ دیں ہم مجھے رونا نہیں آواز بھی بھاری نہیں کرنی محبت کی کہانی میں اداکاری نہیں کرنی نہیں کرنی نون یہ کون تشنا دہن تھا قریب ساحل کے کہ جس کے سوگ میں اب تک فرات باقی ہے یہ واہ یوں تو نہیں کہ میرے بلانے سے آ گیا جب رہ نہیں سکا تو بہانے سے آ گیا الف آپ کہیں کچھ پانچ منٹ ہے میرا خیال ہے پھنستے پھنسانے والے کی کاروائی ہونی چاہیے اور فراز چاہیے کتنی کتنی محبتیں تجھے ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا الف عجیب ماہ تمام عجیب اس ڈر سے اشارہ نہ کیا ہونٹ نہ کھولے اچھا دیکھے کہ نہ دیکھے کوئی بولے کہ نہ بولے یہ یہ بات الگ ہے میرا قاتل بھی وہی تھا اس شہر میں تعریف کے قابل بھی وہی تھا بدبخت الف ایک لفافے میں لپیٹوں یہ سلگتی آنکھیں اور پھر تیرا پتہ لکھ کے روانہ کر دوں نون نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو واو وہ جوڑ دے چاہے تو یہ ٹوٹا ہوا دل بھی اس طرح کے جڑنے کا نشان تک چلا جائے یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں نون نیزے پہ رکھ کے اور میرا سر بلند کر اچھا دنیا کو ایک چراغ تو جلتا دکھائی دے یہ کاؤنٹر شروع ہونے لگا ہے اب کوئی پھنساؤ یار کوئی کسی کو یہ آنکھ مفت میں کچھ بھی نہیں دکھاتی مجھے ہاں میں اس کو خواب دکھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں نون وقت اس نے مجھ سے پوچھا تھا وسیم دیکھتا ہوں نون یار میرا نام آیا تھا نہ جانے تجھ کو میری کیا ادا پسند آئی تجھے تو پیش بھی عزت سے میں نہیں آیا الف عجیب ایک ہی وقت میں پیاسے بھی ہیں سیراب بھی ہیں ہم جو صحراؤں کی مٹی کے کھڑے ہوتے ہیں نون نہ کوئی عہد نبھائے نہ ہم نوائی کرے اسے کہو کہ تسلی سے بے وفائی کرے تسلی سے بے وفائی کرے دو منٹ رہ گئے تسلی سے بے وفائی کرے یہ محبت بھی عجب شرط ہے جس پر تابش ہاں پورا اتروں تو وہ معیار بدل دیتا ہے ہائے ہائے یہ محبت بھی عجب کار زیاں ہے جس میں لوگ خود چل کے خسارے کی طرف جاتے ہیں نون ڈیڑھ منٹ تقریباً نہ رہا جنون رخ وفا یہ رسن یہ دار کرو گے کیا جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے یہ یادوں کے دریچوں کو ذرا کھول کے دیکھو
हम लोग वही हैं कि नहीं बोल के देखो. वाओ, हम लोग वही हैं कि नहीं बोल के देखो. वाओ, वो जिसके खौफ से छोड़ा था मैंने बस्ती को. हाँ. वो सांप फिर मेरे सामान से निकल आया. बताओ. हले, अंदाजा करो, सोचो. हाँ. इससे आगे का जो रास्ता है वहां नफरत है. हाँ. हम मोहब्बत में बहुत दूर निकल आए हैं. नून, मुस्लिम लीग नून, 50 सेकंड. नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम. मीम, मैंने उस वक्त भी दस्तक की पजीराई की जब मेरे खून का प्यासा मेरी दहलीज पे था. अलिफ, एक एक करके परिंदों ने तो हिजरत कर ली, पेड़ हूँ पेड़ तो हिजरत भी नहीं कर सकता, और क्या मुझे सांस भी लेने की इजाजत नहीं है, क्या मैं एक और मोहब्बत भी नहीं कर सकता. इतना तो बनता है. हले, इजाजत. एक और दोस्त को नाराज कर लिया मैंने, एक और सांप मेरी आस्तीन छोड़ गया. अले, आखिरी शेर सुना दो. आखिर को हंस पड़ेंगे किसी एक बात पर, रोना तमाम उम्र का बेकार जाएगा. हले, आखिरी शेर इंसान. हाँ जी, ठीक है, क्योंकि पहला इंसान सुना था. इससे पहले के किसी रस्म पे वारे जाएं, हाँ, चल किसी ख्वाब की तकमील में मारे जाएं. मारे जाएं, नून. जुनैद जमशेद साहब, तबसरा फरमाइए, तब तक जरा ये ए बी सी डी ये के फंसाने वाली कहानी नहीं हुई कोई. फंसाने वाली अलिफ नून मीम, क्या हो गया तुम लोगों को? ये मुकाबला है भाई, एक दूसरे को फंसा नहीं रहे तुम लोग. दोनों ही अच्छी टीम है. अच्छा, मुझे लगता है कि शायद वो पहले दिन जिन्होंने फे फंसाया था उस पर शायद उसका एक उल्टा असर हो गया कि अब कोई किसी को फंसा नहीं रहा. उसका मामला यह था कि उसमें फंसाने के चक्कर में मयार बहुत शदीद तरीन कॉम्प्रोमाइज हो गया था, तो हमने इसलिए उसकी हौसला अफजाई नहीं की, वरना आप अच्छे अशार के जरिए फंसाएं बिल्कुल ठीक है. इसमें क्या, मैं कह रहा हूं अच्छे अशार के जरिए बार बार शायद किसी एक लफ्ज़ पे फंसाना मुश्किल है. दूसरे के पैसे हैं ना सर. हाँ है, तो बात सही है, बात सही है. लेकिन ये कि जो हमारा फाइनल होगा उसमें हमें कुछ, हम बैठ के बात कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा जरा यहाँ से हम कम से कम कुछ ऐसे अल्फाज कहें कि आप इस पे खत्म करें. हाँ, सॉरी, करना पड़ेगा. आप जे से कहें या हे से कहें, काफ से कुछ. हाँ, ठीक है, आप जिस तरह ये करार कैसे चला आप तो के जैसे मैं चाहता हूँ आप भी इसमें कमेंट करें. अच्छा, हमारी मायराना राय के बाद आप भी इसमें बोले. यकीनन मुश्किल फैसला था, और अच्छी बात यह है कि हर शेर को चूँकि हम कैटेगराइज ए बी और सी करके कहते जाते हैं, तो एक अगर मुझसे इस वक्त आप पूछें कि ये इसको मैं रख दूं और रख के बताऊं कि कौन बातें हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है. मैं, अच्छा, मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि मैं. लेकिन अगर इस एतबार से देखा जाए तो बड़ी बड़ी ही क्लोज कॉल है. यानी एक टीम ने 7 बी कैटेगरी के शेर पढ़े और दूसरी टीम ने 5 बी कैटेगरी के शेर पढ़े. एक टीम ने 17 ए कैटेगरी के शेर पढ़े और दूसरी टीम ने 19 ए कैटेगरी के शेर पढ़े. तो इतनी क्लोज कॉल थी. अभी जिनका नाम लेने से गुजारिश करूंगा एक दफा हाथ खड़ा कर दीजिएगा ताकि ऑडियंस व्यूअर्स सबको पता चल जाए कि कौन सी. तो ये कि बस हर शेर पर मार करके तो उसके एतबार से मां खड़े कर दिया. आज का फैसला मुरतब किया गया है. हम दोनों टीमों ने अच्छा खेला, बड़ा हसास फैसला होता है. मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं दोनों टीमें. लेकिन बहरहाल चूंकि किसी एक को आगे जाना था और हमने तरीका बता दिया कि किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं अशार को, तो आज पंजाब यूनिवर्सिटी और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम यानी अहमद तलाल और मुश्ताक अहमद ने हमारे फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया. ये जबरदस्त टीम स्पिरिट का मुजाहिरा वेरी वेल डन. वेरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, बस कुछ एक हल्का फुल्का, बस जो शेर दिल को लग गया वो ए, जरा कम था वो बी, उस तरह से बस फैसला हुआ. लेकिन मैंने बता दिया कि बहुत क्लोज कॉल थी. लेकिन अच्छे मुकाबले पर और अच्छी टीम स्पिरिट में दोबारा तालियां होनी चाहिए दोनों टीम्स के लिए. आपने 17 अच्छे, बहुत अच्छे अशआर पढ़े, उन्होंने 19 बहुत अच्छे अशआर. 17-19 का फर्क था बस. जी हां, सही. तो इकरार उल हसन साहब ने नतीजा अनाउंस किया, और नतीजे के हवाले से आपकी कोई भी क्वेरीज हो, इकरार उल हसन साहब के टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर और सरेआम प्रोग्राम भी करते हैं, आप इनसे रابطہ कर सकते हैं. एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह. कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थक गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया.
मुअज्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, ये उम्मत बड़ी अजीब उम्मत है, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बड़ी अजीब उम्मत है। जैसी मोहब्बत इस उम्मत ने अपने नबी से की है, उससे पहले किसी उम्मत ने ऐसी मोहब्बत अपने नबी से नहीं की। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जाएं और जाकर जब्बारीन का मुकाबला करें और बनी इसराइल को लेके जाएं। बनी इसराइल ने अभी देखा अल्लाह ने कैसे उनको फिरौनियों के जुल्म से निजात दिलाई, दरियाए नील में 12 रास्ते बनाकर उनको तो पार लगा दिया, फिरौनियों को बर्बाद किया। उसके बावजूद जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा जाएं और आओ हम चल के अल्लाह के हुक्म को पूरा करें, आगे से जवाब देते हैं, ए मूसा ये काम तू कर और तेरा अल्लाह। लेकिन बदर के मुकाम पर जब हुक्म हुआ कि आप 313 हैं, यही 2 तलवारें, यही 2 घोड़े, सामने से 1000 का लश्कर आ रहा है, आपके अपने सहाबा ही मुकाबला करेंगे, तो आपने सहाबा से अर्ज की, आपने सहाबा से फरमाया हाँ भाई क्या इरादा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, या रसूलल्लाह पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं। फिर आपने फरमाया, तारीफ की उनकी, फिर आपने फरमाया और बताओ क्या इरादा है। सैयदना उमर खड़े हो गए, या रसूलल्लाह पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं। आपने तारीफ फरमाई, फिर तीसरी मरतबा फरमाया क्या इरादा है। तो अंसारी सहाबी खड़े हुए, साद बिन माज का, या रसूलल्लाह कहीं आपका इशारा हमारी तरफ तो नहीं। कहा हां तुम्हारी तरफ है। कहा या रसूलल्लाह हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, हम तो जिस दिन आपको यहां लेकर आए उस दिन अपना तन मन धन औलाद माल बच्चे मवेशी सब अब आपका है, हमारा कुछ नहीं। आपने बहुत तारीफ फरमाई। तो ये उम्मत है जिसका हम हिस्सा हैं। ये तो थी आपकी जिंदगी। जब आप दुनिया से चले गए तो हिजरे रसूल में सहाबाए कराम का क्या हाल हुआ, मैं आज आपको वो बताता हूं। ये सहाबाए कराम की जमात वो अव्वलीन जमात है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तैयार फरमाई। सहाबाए कराम हर लम्हा अपने आका के इशारे पर अपनी जान देने को आमादा रहते थे। जब नबियों के सरदार ने दुनिया जाहरी से पर्दा फरमाया तो तारीख ने इन हस्तियों की मोहब्बतों का ऐसा हसीन मंजरनामा पेश किया है कि जिसकी जौसे सदा इश्क के ईवानों में रोशनी रहेगी। यह सिलसिला बहुत तवील है, आज अपने महदूद वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि चीदा चीदा गोशे आपके सामने पेश कर सकूं जो हमारे अजहानों कुलूब की बेदारी का बायस है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद एक सहाबी थे, उनके बारे में मनकूल है कि जब उन्हें उनके बेटे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक की खबर दी, वो उस वक्त अपने खेतों में काम कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर सुनकर इतने गमजदा हुए कि बारगाह इलाही में हाथ उठाकर यह दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह मेरी आंखों की बिनाई अब खत्म कर दे ताकि मैं अपने महबूब के बाद किसी दूसरे को देख ही ना सकूं। अल्लाह ताला ने उसी वक्त उनकी दुआ कबूल फरमा ली और आंखों की बिनाई चली गई। सहाबाए किराम जब बिनाई के लिए दुआ करते तो आप मना फरमा दिया करते और कहते मैं इन आंखों को फकत इसलिए पसंद करता था कि इनके जरिए मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होता था। अब चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है इसलिए अगर मुझे चश्मे गिजाल यानी हिरन की आंखें भी नसीब हों या मिल जाएं तो कोई खुशी ना होगी। हाँ ऐसी मोहब्बत। सहाबे किराम को जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदारे फरहत के आसार के लिए निकल पड़ते, खड़े हो जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घरों से निकल पड़ते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत याद आती ना तो अपने घरों से निकलकर आपके हुजरे तक आ जाते।
اور امہات المومنین سے عرض کرتے کہ ہمیں دیدار محبوب کے بغیر چین نہیں آ رہا. چنانچہ بعض اوقات امہات المومنین یعنی ان میں امہات المومنین صحابہ کی مدد کرتی, خاص طور پر ام المومنین حضرت میمونہ آپ کے زیر استعمال رہنے والا آئینہ لاتی. جب صحابہ کرام اس آئینے کو دیکھتے تو بجائے اپنے آپ کو دیکھنے کے محبوب خدا کا جلوہ فرماتے. ہاں اللہ اکبر, کیا منزل ہے یہ عشق کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون آپ کے روضہ اقدس پر آئی اور مجھ سے کہنے لگی مجھے حجرہ انور کھول دیں, میں سرکار دو عالم کے مزار اقدس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. میں نے اسے کھول دیا. وہ عورت ہجر رسول کے صدمے سے اتنا روئی کہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی جان دے دی. ہاں آقا کریم کے وصال کے بعد سیدنا بلال وہ تو مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. ہاں مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو. پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے, اور شام کے شہر حلب کو چلے گئے. تقریباً 6 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے, تو نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا, کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا. خواب سے بیدار ہوتے ہی بے چینی میں اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں اپنے آقا و مولا کو ڈھونڈنا شروع کیا. کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں اور کبھی گلیوں میں, جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ غلام, حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے. یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انور کے پاس گرے اور کافی دیر بے ہوش رہے. پھر جب ہوش آیا تو سارے مدینے میں خبر پھیل چکی تھی کہ مؤذن رسول حضرت بلال آ گئے ہیں. مدینہ طیبہ کے بچے بوڑھے جوان خواتین اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے بلال ایک دفعہ اذان دیں. آپ نے عرض کی بس میں اب اذان نہیں دوں گا کیونکہ جب میں اشارہ کرتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ وہاں اللہ کے رسول نہیں ملتے, یہ میری برداشت کے باہر ہے, میں نہیں کروں گا. جب بہت بہت اصرار ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جاؤ حسنین سے کہو وہ سفارش کریں, ان کی سفارش کو بلال انکار نہیں کریں گے. پھر حسنین کریمین چنانچہ سیدنا امام حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے بلال ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان کو اس مسجد میں سناتے تھے. جب حضرت بلال نے حسنین کا سنا تو انکار کی ہمت نہ ہوئی, کہا آپ کے سامنے انکار نہیں کر سکتا, لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے. بعد کی کیفیات کا حال یوں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت بلال نے بآواز بلند آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر, جب یہ کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا. آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور گونج میں مزید اضافہ ہوتا گیا, یہاں تک کہ جب آپ نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو مدینے کی گلیوں میں سے مرد عورت بچے
चीखें मारते हुए बाहर निकल आए और वो गिरिया जारी हुई। लोग समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वक्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते बाहर आ गए। उस दिन से ज्यादा रोने वाले मर्द और जन किसी ने नहीं देखे। अल्लामा इकबाल अजाने बिलाली को तराना और इश्क करार देते हुए फरमाते हैं, अजा अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, अजा अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उस नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। अगर मैं जिन होता ये हमारा आज का मौजूद है। इसमें अगर की क्या बात है वसीम भाई? अच्छा बड़े दिल से कहा है वही ना, इसमें अगर की क्या बात है कि अगर तो कोई मुझसे पूछे हैं। वाह वाह, आप सब ना बता दीजिएगा भाई। तो भाई ये है हमारा आज का मौजू, दूसरा सेमीफाइनल हमारे इस कंपटीशन का, और मौजू है अगर मैं जिन होता। पहली मुकर्ररा है जिना, अच्छा अगर मैं जिन होता पहली मुकर्ररा जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से उम्मे फरवा जी, जिन मतलब उम्मे फरवा, आपका शुरू होता है आप। अली वकार, मेरे साथ ना इंसाफी की गई है। अच्छा। मैं इतनी हसीन और मौजू इतना संगीन, अगर मैं जिन होता, इतना हसीन जिन कभी देखा है आपने? वैसे अली वकार, अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं होता नहीं हूँ बल्कि होती, और फिर मैं जिन्नी बल्कि जिन्नी होती। अली वकार, अगर मैं जिन होती तो फिर कर्शी की गाड़ी के लिए इतनी मेहनत क्यों करती, बल्कि पहले ये कर्शी की गाड़ी उड़ा ले जाती। अली वकार, अगर मैं जिन होती तो शायद ऐनक वाला जिन होती। अरे ऐनक वाले जिन से याद आया, मेरी एक दिन हो गई उनसे मुलाकात, कहने लगे कैसी हैं आप, मैंने कहा मैं फर्स्ट क्लास, और आप, कहने लगे मैं इकोनॉमी क्लास, वो भी शालीमार एक्सप्रेस। मैंने कहा क्यों जिन भाई, ऐसा क्या हुआ? कहने लगे पिछले दिनों मैं हो गया एक लड़की के पास कैद, उसने तो कर दिया मेरा दिमाग खराब। जिन भाई ये कर दें वो कर दें, इस डिजाइनर के कपड़े ला दें उस डिजाइनर के कपड़े ला दें, अदनान समी को टाइट कर दें, मतीरा को लूज कर दें, बदामी को पिस्ता कर दें, उमंग को तरंग कर दें, इकरार से इकरार करा दें, और जे डॉट को जैकपॉट कर दें। अली वकार, अगर मैं जिन होती तो मैं ये मालूम करती ये नामालूम अफराद कौन है, मुल्क में कोई भी वारदात हो हुकूमत कहती है नामालूम अफराद। अली वकार, अगर मैं जिन होती तो ये मालूम करती है अगर शौहर अपनी बीवियों से इतना डरते कि मैं क्यों। वसीम भाई, वैसे आपस की बात है, ये जिन भी अपनी बीवियों से बहुत डरते हैं। एक दिन किसी शख्स ने जिन से कहा ऐसा करो मेरे घर से अमेरिका तक रोड तामीर कर दो। जिन ने कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम बताओ। तो उस शख्स ने कहा फिर ऐसा करो मेरी बीवी को मेरा फर्मा बरदार बना दो। जिन थोड़ी देर सोचने के बाद बड़ी मासूमियत से बोला भाई साहब रोड डबल बनानी है यहाँ सिंगल। अली वकार, अगर मैं जिन होती तो मैं ये मालूम करती आखिर जीना के माँ बाप को किसने मारा, क्योंकि इस जीना ने हम सबका फेसबुक पे जीना हराम कर दिया है। अली वकार, अगर मैं जिन होती तो ये पता लगाती गटर के साथ वजीर आला की तस्वीर लगाने के बजाय ये पता करती आखिर गटरों के इतने ढक्कन जा किधर रहे, कहीं पार्लियामेंट तो नहीं जा रहे। अली वकार, अगर मैं जिन होती तो फिर हर पाकिस्तानी की आवाज ये मालूम करती लेस के पैकेट में हवा इतनी ज्यादा और चिप्स इतने कम क्यों होता है, पेट ही नहीं भरता। अली वकार, अगर मैं जिन होती तो मैं ये पता लगाती क्यों मोबाइल का नाम क्यों मोबाइल ही क्यों रखा गया है। अली वकार, अगर मैं जिन होती तो ये पता करती हमारे सियासतदानों के दिमागों में भूसा इतना ज्यादा और अकल इतनी कम क्यों है, और अली वकार वो गिरगिट की तरह इतनी जल्दी जल्दी रंग कैसे तब्दील करते हैं। और अली वकार, अगर मैं जिन होती तो इस पाकिस्तान को जिसको हम सब ने जिन्नात का पाकिस्तान बना दिया है, जिना का पाकिस्तान जरूर बना देती, मगर अफसोस कि मैं जिन नहीं हूँ। तो जिन्नात से मेरी फकत इतनी सी गुजारिश है, ये सरदारी भी ले लो, ये शरीफ भी ले लो, भले ले लो शाह साहब की शोला बयानी, मगर मुझको लौटा दो वो कीमत है पुरानी, वो आटा वो चीनी वो बिजली वो पानी, तो आड़ी मेहरबानी। वाह, वेल डन।
क्लीन क्लीन कंप्लीट किया है। कफील साहब, आपका ताल्लुक है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, बताइए अगर आप जिन होते तो। सदर आली वकार, अगर मैं जिन होता तो मैं पूरी दुनिया को बताता कि जिन कितने नेक होते हैं, क्योंकि जीवाकार अगर मैं जिन होता तो सबसे पहले मैं जीना को इदियोम्स में दाखिल करवाता, क्योंकि जीवाकार उस बेचारी के तो माँ बाप भी नहीं है। सदर जीवाकार, अगर मैं जिन होता तो इन आमिल बाबाओं पर एक ऑपरेशन करवाता, क्योंकि जीवाकार इन लोगों ने मेरे नाम पर महबूब कदमों में डलवा दिए। लेकिन सदर जीवाकार, इस मौजू में अगर लगाकर मेरी ज़ात की तोहीन की गई है, क्योंकि जीवाकार जिन दो किस्मों के होते हैं, रूहानी जिन, जिस्मानी जिन। जीवाकार मेरी तरफ देखें, जिस्मानी जिन। जीवाकार, जब मैं कोकाफ की पहाड़ियों में पैदा हुआ तो जीवाकार एक अरसे तक उधर कुछ दिखाई ना दिया। जीवाकार मेरे असेबी असरात की वजह से पूरी सदी में और कोई जिन पैदा नहीं हुआ। लेकिन जीवाकार अगर मैं रूहानी जिन होता तो मेरे पास ताकतें होती, और जीवाकार अगर मेरे पास ताकतें होती तो जीवाकार मैं अपनी दीरीना ख्वाहिश पूरी करता, जीवाकार मैं अदीब बनता, जीवाकार मैं किताबें लिखता। जीवाकार जिस तरह एक अदीब ने किताब लिखी एक सुनामी, मैं किताब लिखता एक बादामी, और जो किताब लिखा आग का दरिया, जीवाकार मैं किताब लिखता साग का दरिया। जीवाकार एक किताब लिखी गई और तलवार टूट गई, जीवाकार मैं किताब लिखता और वजू टूट गया। लेकिन सदरे जीवाकार, अगर मैं जिन होता तो मैं खूबसूरत लड़की से शादी करता, क्योंकि जीवाकार इस शक्ल के साथ एक दफ़ा मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। जीवाकार मैंने उस लड़की की राह में अपना दिल फेंक दिया, जीवाकार उसने दिल पर थूक फेंक दिया। तो जीवाकार अगर मैं जिन होता तो मैं खूबसूरत लड़के का रूप धारता, एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता, और जीवाकार फिर उसे शादी करता, और जीवाकार शादी करने के फौरन बाद मैं अपने असल रूप में आ जाता, क्योंकि जीवाकार जो अज़ियत मैंने सारी उम्र बर्दाश्त किया वो भी तो करे। सदरे जीवाकार, सदर जीवाकार अगर मैं जिन होता तो मैं कुछ सवालों के जवाब मालूम करता। जीवाकार सबसे पहले तो मैं रात के 11 बजे एक चैनल पर एक प्रोग्राम करता, जिसमें जीवाकार मैं तमाम एंकर्स को इकट्ठा करता, फिर उनसे एक मासूमाना सवाल करता कि आखिर ये तमाम चैनल्स पर एक ही खबर सबसे पहले कैसे पहुंच जाती है। और सदर जीवाकार अगर मैं जिन होता तो मैं मालूम करता कि हमारे शरीफ खानदान कुछ रुपयों का टैक्स अदा करके इत्तेफाक से करोड़ों कैसे कमा लेते हैं। और जीवाकार अगर मैं जिन होता तो मैं ढेर सारा पानी इकट्ठा करता, जीवाकार ढेर सारा, और जब मैं बाहर निकलता तो फाहद मुस्तफ़ा आता। सदर जीवाकार मैं अगर जिन होता तो अभी मालूम कर लेता कि आज 0.5 के मार्जिन से कौन आगे जा रहा है। That's a good one. 0.5 हाफिज भाई आदम जी, साइंस कॉलेज हमारे अगले मुकर्रर हैं उस्मान मलिक साहब जी। उस्मान, सदर जी वकार, ना जुनेद का मदा हुआ होता, ना बदामी मेरी तबीयत पे गिरा होता, ना मुझे अपनी सलाहियत का इकरार करवाने की उमंग होती, ना मैं मुकाबले में आउट होता ना इन होता, सदर जी वकार अगर मैं जिन होता। सदर जी वकार, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मगर जनाबे वाले मैं उससे इजहार मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि इजहार मोहब्बत के लिए तोहफा ज़रूरी है। जनाबे वाले मैं J.Dot गया, कुर्ती इतनी महंगी, जुनेद भाई यकीन माने खरीद ही नहीं सकते। अगर मैं जिन होता तो रातों रात J.Dot का सारा स्टॉक खाली करता, उनके कदमों में रख देता, और वो भी सरेआम मेरी मोहब्बत का इकरार करने पर मजबूर हो जाती। सदर जी वकार, इकरार से याद आया, जनाबे वाले इंसान कितना बेबस होता है ना, इकरार भाई से पूछ लें, इकरार भाई गन लेकर पार्लियामेंट हाउस चले गए, चाहते हुए भी चला ना सके। सदर जी वकार, अगर मैं जिन होता, सदर जी वकार अगर मैं जिन होता तो चला कर वापस भी आ जाता, लोगों को पता ही नहीं चलता। सदर जी वकार, अगर मैं जिन होता तो जुनेद भाई पर हावी होता और पता करता इनके अंदर वो कौन सा शख्स मौजूद है जो इनको बार बार उकसाता और बुलवाता है। अजीब। सदर जी वकार, जुनेद भाई से एक और बात याद आई, जनाबे अगर मैं जिन होता तो पता लगाता ऐसी कौन सी शेय है जिसकी तासीर इतनी ठंडी है कि जीते जागते जुनेद भाई को शहीद करवा देती है। सदरेजी वकार, अगर मैं सदरेजी वकार अगर मैं जिन होता तब भी उतना कदीम ना होता जितने कदीम हमारी सिंध धरती पर कायम हैं। सदरेजी वकार, सदरेजी वकार कभी आपने PIA में सफ़र किया है? जनाबे वाला एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बेल बजाएं, सामने से एक अजीब सी मखलूक आती है, क्या चाहिए? सदर जी वकार उनको देखकर बोलता हूँ, जी बस अल्लाह की पनाह चाहिए। सदर जी वकार, अगर मैं जिन होता तो कोहे काफ की पहाड़ियों से परियों को लेकर जाकर PIA में भर्ती करवा देता। सदर जी वकार, अगर मैं
अरे छोड़िए ये क्या अगर मगर लगा रखा है सदरी, अगर हकीकत बताऊं, अगर मैं जिन होता ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं अपनी उनके जिन जैसे भाइयों से पिटता हूं, बाद में किसी जिन्नी के भाई से पिट रहा होता। सदरी जी वकार, अगर मैं जिन होता तो जिन होता, पागल नहीं होता जो 64 मुकररीन से 27 रमजान तक एक इस कार के लड़ रहा होता। सदर जी वकार, मैं तो पहले दिन ही आता, जीतता, हारता, कार उठा के ले जाता और आप लोग अपनी बेबसी पर ठीक ऐसे मुस्कुराते जैसे अभी मेरी तकरीर में मुस्कुरा रहे हैं। शुक्रिया, शाबाश शाबाश। और हमारे आज के आखिरी मुकर्रर हैं अफनान मलिक, ताल्लुक है आपका मीरपुर यूनिवर्सिटी, आज़ाद कश्मीर से। यूँ हमारे आज के दो मेहमान, दो मुकर्रीन कराची शहर से बाहर हमारे मधु किए हुए हैं, एक लाहौर से और एक आज़ाद कश्मीर से। जनाब अफनान साहब, अगर आप जिन होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली वकार, मैं बचपन में गुम हो गया। अली वकार, मैंने अपना घर बहुत ढूंढा पर ना मिला। अली वकार, मैं चलता चलता एक मस्जिद में पहुंचा। मैंने मस्जिद के मौलवी साहब को कहा मेरा ऐलान करवा दीजिए। अली वकार, दूसरा ऐलान। अली वकार, उन्होंने ऐलान किया कि एक बच्चा मिला है, जिनका बच्चा है आकर ले जाए। अली वकार, मुझे देखने के लिए पूरा गाँव आ गया, कतारें लग गई। अली वकार, कोई यहाँ से देखता, कोई वहां से देखता। अली वकार, हर बंदा हैरत की तस्वीर बना था, ये जिन का बच्चा कैसा होता है। अली वकार, उस दिन मैंने सोचा अगर मैं वाकई जिन होता तो कैसा होता। अली वकार, मैंने सोचा अगर मैं जिन होता तो सबसे पहले ये पता करता कि कुछ लोगों की ना तो रंगत बादाम जैसी होती है, ना उनकी सेहत से पता चलता है कि उन्होंने बादाम खाए, ना उनका बादाम का कारोबार होता है, तो फिर ये अपने नाम के साथ बादामी क्यों लगा लेते। अली वकार, नाम से याद आया कि इस मुल्क में बड़े बड़े नामों को छोटा कर लिया जाता है। अली वकार, जितना लंबा नाम होगा छोटा कर लेंगे, जदीद दौर। अली वकार, अल्लाह रखा यहाँ पे AR बन जाता है, अल्लाह देता यहाँ पे AD बन जाता है, मोहम्मद दीन यहाँ पे MD बन जाता है। अली वकार, मैंने सोचा अगर मैं जिन होता और मेरा नाम जिन होता तो कितना फरसुदा लगता। अली वकार, मैंने सोचा कि अगर मैं जिन होता तो मैं अपना नाम रखता J. अली वकार, J. अली वकार, जदीद जिन। अली वकार, मैंने सोचा अगर मैं जिन होता तो तीन काम करता। पहला काम, अगर मैं जिन होता तो उन ख्वातीन की आंखें ठीक करवा देता जिनको अपने बच्चों की शादी के अलावा कुछ नजर नहीं आता, और अली वकार, उन बच्चों की शादी के जिनकी शक्ल के बाजार में आलू मिल जाते हैं, उनके लिए वो कोख काफ की परियां ढूंढते हैं। अली वकार, दूसरी चीज मैं करता अगर मैं जिन होता तो सरकारी TV जाता और जाके ये पता करता कि पूरे मुल्क में बारिश हो ना हो, ये मालाकंड डिवीजन में क्यों बारिश होती है। अली वकार, तीसरा काम ये करता कि अगर मैं जिन होता तो ARY के शाने रमजान सेट पे 62 जिन भेजता। जी हाँ अली वकार, 62 जिन, दो जिन बैठ के सिर्फ और सिर्फ GRP देखते, बाकी 60 जिन गिनते कि कितनी दफा अजीब अजीब की सदाएं बुलंद हुई हैं। अली वकार, हो सकता है कि हम आलमी रिकॉर्ड भी बना लेते, क्यों जुनेद भाई। अली वकार, आखिर में मैंने सोचा कि अगर मैं जिन होता तो अपनी महबूबा के नाम पे कराची में एक चुरंगी और कॉलोनी का नाम रख लेता, लेकिन अली वकार, मुझे अफसोस हुआ वो तो पहले ही किसी ने रख लिया, नागन चुरंगी भैंस कॉलोनी। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाबाश शाबाश। आए भाई, चारों मुकर्रीन हैं बतौर मजमूई, मेरे ख्याल से आज एक बेहतर मुकाबला, अच्छा मयार, बेहतर नहीं, बेहतरीन बेहतरीन। और मैं ये कहूँगा कि फरवा का टेक ऑफ वॉज वेरी गुड, टेक ऑफ वॉज रियली नाइस, सब बहुत अच्छा बोले। ये जो बच्चा मेरा इधर खड़ा हुआ है, मैं इसको ये बताना चाहता हूँ, ये मोहब्बत में कह रहा हूँ कि तुमने दूसरी दफ़ा अपने चेहरे को बीच में तुमने ला के ऐसे बोला कि मैं जिन लगता हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो, वो बताएगी कि तुमसे ज़्यादा हसीन चेहरा किसी का नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो आइंदा मेरी ऐसे गुजारिश है कि बहुत प्यारे हो, बहुत खूबसूरत हो, अपने चेहरे को बुरा ना कहना कभी, ठीक है ना। कि ये ख़ास तौर पे चेहरा इंसान के जिस्म में वो चीज़ है, ख़ास तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दस्ते मुबारक से बनाते हैं, तो बहुत हसीन हो, सब ने बहुत अच्छा पढ़ा, किसी दो ने लूज करना है, मेरा दिल दुखा हुआ है, बिल्कुल। हाँ, और शुक्र है ये काम आज मैं नहीं कर रहा। आज दो अच्छे मुकर्रीन को वापस जाना होगा। इस दौरान मैं से बता दूं, कशी जामशीरी का आज का सवाल, 1962 का आइन किसने पास किया था। मुझे पहले लगा कि लिखा है किसने पामाल किया था, मैं तो लंबी फहरिस्त है भाई, कौन हर कोई पामाल करते हैं, या तो, लेकिन यह है कि 1962 का आइन किसने पास किया था, यह आपने बताना है। और कल के हमारे कृषि के विनर थे मोहम्मद अहमद साहब, जिनका ताल्लुक है कराची से। जनाब, जानते हैं कि कौन आज नंबर 1 है,
और बकौल हमारे मुकर्रर के 0.5 के मार्जिन से कौन नंबर 2 है जी इकरार साहब भाई मुकाबला भी अभी जो आदादो शुमार हैं ये कुछ अच्छा इंडिकेट नहीं कर रहे हैं बड़ा मुश्किल है बहुत मुश्किल है हां वेरी टफ लेकिन ये बड़ा मजेदार आज का मुकाबला मुझे लगता है वन ऑफ द फाइनेस्ट अपना जब तक का बिल्कुल सबको आप चारों को इसका क्रेडिट जाता है और वसीम ने अच्छी बात की हमें दुख है कि आज दो अच्छे मुकर्ररीन रह जाएंगे ये एक जुमला तो हो सकता है दो ना रहें ये भी बड़ा मामला एक ही रह जाए तीन रह जाएं हाँ तो अब ये लेकिन ये बड़ी एक उम्दा बात जो मैं मिजाह के हवाले से जिस तरह अब ये तकरीबन सभी ने जे डॉट पर बादामी के बादाम पर उमंग भाई के उस पर और मेरे कुछ ये हम अक्सर किया करते थे या हमारे जो मिजाहिया मुकर्ररीन होते थे जुनैद भाई कि वो फ़र्ज़ करें अगर रिसालपुर अकेडमी जो है PF अकेडमी रिसालपुर वहाँ जाते थे तो वहाँ कैडेट्स से पहले पूछते थे कि आपके यहाँ करेक्टर मशहूर कौन सा है आपको यहाँ कौन कौन सी फटीक जो है वो डाली जाती है चूंकि ऑडियंस वो होती थी तो फिर उसके एतबार से वो कोई ना कोई जोक या कोई ना कोई ऐसी बात करते थे कि जब वो करें तो लोग हंसे उस पे तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप वहाँ जो आपका माहौल है उसके मुताबिक कोई ना कोई चीज़ ऐसी पहले से मालूम कर लें या जान लें या आप टॉन्ट करें या कुछ ऐसा कि जिसमें जाहिर किसी की तजहीक ना हो लेकिन मिजाह का एक पहलू निकलता हो तो ये बड़ी अच्छी बात है और बेस्ट ये था कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग डिसेंसी एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ये अच्छा होता है कि आप ऑडियंस या जिस तरह 0.5 कैसा खूबसूरत उसका उसका कमाल था भाई था किसका ये हाथ खड़ा करो 0.5 तो ये भी इनको तो वापस भेजें ना 0.5 के मार्जिन से वापस भेजें मैं मार्क्स लिख ही रहा था बस वो उस वक्त ये 0.5 आया मैं देखता रह गया तो आज यकीनन एक बड़ा मुश्किल कंपटीशन था एक बार भरपूर तालियां इन चारों के लिए बड़ा मजे का मुकाबला था बताएं आबिद साहब कि आज किसने आगे जाना है और सर आज का रिजल्ट तो आप या जुनैद भाई अनाउंस करें मैं इकरार भाई से डिस्कस कर रहा था पहली पोजीशन हम अनाउंस करेंगे दो ने टाई किया है अब और दोनों के बिल्कुल इक्वल अच्छा बिल्कुल और वही दोनों जो मेरे पास सेकंड के तौर पर मौजूद हैं दो हाँ। उनके पास भी वही सेकंड के तौर पर मौजूद हैं और दोनों के नंबर सेम है तो अब ये अब आप लोग तय करें कि क्या करना है इन दो को आगे लेके जाना है या दो में से हम और किसी तुम, हम और तुम डिसाइड कर लेंगे उन दोनों में से किसी एक को आगे हो सकता है ये भी एक ऑप्शन है लेकिन ये क्या क्यों नहीं अगले मुकाबले में 5 मुकर्ररीन बोले बिल्कुल ऑन मेरिट है आप लोग अगर मेरिट है और मेरा ख्याल ये है कि अगर वो आज अपनी सलाहियत के साथ यहाँ पर मौजूद है तो 2.5 मिनट कुर्बान किए जा सकते हैं ये मेरी राय है फैसला एक मिनट में अपने सेगमेंट दे दूंगा एक मिनट आप लोग कम बोल लीजिएगा मिल मिला के कर लेते हैं बताएं पहली फर्स्ट पोजीशन तो आज हम ये कर रहे हैं कि तीन मुकर्ररीन को आगे भेजें और एक को वापस भेजें ये हमारी हमने आपको सिचुएशन बता दिया है कि दोनों मुकर्ररीन जो कर लें ऐसा जुनैद भाई बताएं ऐसे कर लो जो अगर दो टाई है ना हाँ उनको भी आगे ले जाओ तो वही हुआ ना इसका मतलब टोटल तीन आगे जाएंगे एक वापस जाएगा एक वापस ठीक है चले भाई तय हो गया ठीक अच्छा वैसे ही दोनों जजेस के पास एक ही जितने नंबर्स के साथ दोनों दूसरे नंबर ठीक है ये बिल्कुल इक्वल मार्क्स हैं और ये काश हमारे पास होता तो हम दिखा भी सकते मैं देख लिया फर्स्ट पोजीशन बड़ी क्लियर है वेरी क्लियर बिल्कुल क्लियर है तीन मार्क्स ज्यादा है 0.5 ज्यादा नहीं यानी इतनी क्लियर है 6 मरतबा 0.5 बिल्कुल क्लियर है जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से सैयदा उम्मे फरवा जैदी बहुत सारी तालियां बहुत अच्छा बड़े अच्छे पॉजेज बड़ी अच्छी स्पीड ना बहुत ज्यादा ना बहुत डायमेंशंस बहुत अच्छी थी हर डायमेंशन को कवर करते हुए गए शानदार वेल डन सीरियस ह्यूमरस सब और सेकंड पोजीशन इकरार भाई तो अब आप दो नाम ले रहे हैं और ये दो आगे जा रहे हैं ये दोनों यानी एक जितने नंबर इनके पास और उतने ही नंबर मेरे पास से दोनों के और मैंने इस चक्कर में बराबर नंबर दिए थे कि इनके हिसाब से बराबर हो के दूसरा नंबर आ जाएगा लेकिन उन्होंने भी तो हम जो यानी दो मुकर्ररीन दूसरे नंबर पर हैं एक नाम उनमें है उस्मान मलिक आदमजी साइंस कॉलेज से अब आप दो में से कोई एक रहेगा और कोई एक जाएगा जल्दी से नाम ले लें दोनों मेहमान हैं आज़ाद कश्मीर से और एक कॉलेज लाहौर से ऑन मेरिट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कफील राणा अगले मुकाबले लेकिन वेरी वेल प्लेड सबने बहुत ही अच्छा हमें एक मयारी बहुत तकरीब मुकाबला देखने को मिला उसका बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया एक वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं रमजान यूं आ गया बन के रहमत ये फिर छा गया कैसे तुझसे करूं साम